एक मैटर निपटाने जा रहे हैं हम, ठीक है। किसका? हमारे नितिन भाई का, जिस गांडू ने निकाली थी ना परसों। उस मैटर में हाथ नहीं दिया जाएगा, उसमें पूरा अंतर मैं जाऊंगा। 125 किलो आदमी को तेरी जगह लगे घर परिवार को जितने में सर्विस फाड़ूंगा, ठीक है ना। एक मैटर के भाई बता देना उसको, ठीक है। अब दूसरे की बात हो रही है, अपने ऊपर ले तो जितने लड़के थे इकट्ठे करें ना, इन्हें बिठा, चाय पानी पिला, खाना वाना खिला, दो ढाई घंटे बाद पेटीएम कर ले। आप भाई आए नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो आपका मान सम्मान, आप हमारे मेहमान, थोड़े बहुत भाई बाकी आ जाएंगे। जैसे कर लेना, जैसे टर्म्स करने हो, प्यार से, भाईचारे से, या कैसे बता दो भाई। ऐसा है, सुबह 8 बजे से लोकेशन दे रखी है, फाइनली भाई का रिप्लाई आया कि शुरुआत आप नहीं कर पा रहे तो हम कर लेते हैं, बताओ कहाँ आना। सुबह जगह मैं जीवी रोड पर बुला रहा कहाँ आना भाई, पहले मैंने सुबह बताया नोट आ जाओ, मैगजेसी फिटनेस पे लोकेशन दी, 2 घंटे वेट करा। उसके बाद फरीदाबाद आया, वहाँ नितिन भाई के जिम के नीचे खड़े होकर 2 घंटे वेट करा कि भाई यहाँ आ जा। आपने कहा कहाँ आना, अरे भाई कहाँ आना, दोबारा नोट आ जा। अभी देख एक मैटर हो रहा है हमारा, हम वो सुलझाने जा रहे हैं। तो भाई एडमिट कर लेना कि नोएडा से एक बंदा फरीदाबाद आ गया और उसके सामने जाने में मेरी गांड फट रही, ठीक है। जो तुम बदमाश हो, जितनी तुम्हारी बदमाशी है, यहाँ आ जाओ, दोबारा दिखा रहा हूँ। आज की बात नो है, आएंगे कल भी परसों भी, जब मन करे सामने आ जा। और भाई वो जो गाली लिखी थी ना स्टोरी में, वो एक बार देख के दिखा दे। और तमीज का दायरा पायरा भाई, मैं तमीज लेके तमीज दिखाने नहीं आया, तमीज सामने से आई होती तो मैं भी तमीज दिखाता। तमीज वमीज कोई बात नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ फरीदाबाद में, तेरे क्षेत्र में, तेरे स्टेट में, ठीक है। आ जा।